Hello, my dear students. Welcome on our online learning platform, Let's Study India. बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा जो यूनिट थर्ड है पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स है उसकी जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं हमने पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर दिया है उसमें जो हमारा ग्रुप थर्टीन है वो भी हम लोग डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप फोर्टीन जो हमारा है कार्बन फैमिली वो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारी रह गई थी वो हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है तो ग्रुप 14 हमारा क्या है कार्बन फैमिली है ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन फैमिली क्यों कहते हैं कौन कौन से एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर आते हैं और इस ग्रुप की कॉन्फिग्रेशन किस तरीके से किया जाता है साइज में क्या क्या है एटॉमिक एंड डायनिक रेडियस किस तरीके से चेंजिंग होती है उनके क्या ट्रेंड हैं ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में अच्छे से बताया ठीक है तो अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाओ चैनल पर वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बी फर्स्ट सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम से तो वहाँ पर आप जाके वो लेक्चर देखो क्योंकि अगर आप वो लेक्चर देखोगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लिया है ठीक है और मैं हमेशा कहती हूं किसी भी ग्रुप का या किसी भी एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका कॉन्फिग्रेशन आपको आना चाहिए क्योंकि कॉन्फिग्रेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है उसी से आप आयोनाइजेशन एनर्जी बता पाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडियस सारी चीज़ें उसी पर बेस्ड होती हैं ठीक है थीके? तो अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी एलिमेंट आप पढ़ रहे हो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करो कॉन्फिग्रेशन क्या है वो डिटेल में डिस्कस कर लो ठीक है डिटेल में समझ लो ओके तो आप एक काम करो आप जाओ मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स है वहाँ पे आप

एंड आयोनिक रेडियाई ठीक है सेकंड हमारा क्या था एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं साइज भी कह सकते हैं क्लियर है तो ये सारी चीज़ें ये दो पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी पे तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या है डेंसिटी डेंसिटी में क्या होता है तो अच्छे से आपको पता है डेंसिटी क्या होता है तो डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है वेट यहीं पे बता देती हूँ आपको डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी ठीक है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वेट यहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा प्रपोशनैलिटी का साइन रहेगा ठीक है तो डेंसिटी जो होती है वो मास के क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मीन्स मास जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही अच्छा उसका क्या रहेगा डेंसिटी रहेगा और वॉल्यूम जितना ज़्यादा रहेगा डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी ये चीज़ हमें अच्छे से पता है तो अब आप मुझे बताओ कि जो ग्रुप 14 है हमारा कार्बन फैमिली पे हम जब मूविंग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होना चाहिए तो क्या होता है इंक्रीज डाउन द ग्रुप जब हम लोग मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हमारी डेंसिटी है वो क्या होती है इंक्रीज होती है क्यों इंक्रीज हो रही है क्योंकि जो हमारा एटोमिक मास है वो भी क्या होता है इंक्रीज होता है इसी की वजह से जब हम लोग मूविंग डाउन द ग्रुप चलते हैं तो डेंसिटी भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ठीक है क्यों क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो सी बात है एटॉमिक मास भी क्या हो रहा होगा इंक्रीज हो रहा होगा क्लियर है इतना चीज़ें अच्छे से समझ में आया तो डेंसिटी याद रहेगा डेंसिटी क्या होता है इंक्रीज होता है जब हम लोग मूविंग डाउन द ग्रुप चलते हैं तब ठीक है अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स में नंबर्स हैं ठीक है वो डेंसिटी एक तरीके से डेंसिटी की वैल्यू हम कह सकते हैं वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ठीक है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये जो डेंसिटी वाला है ये चीज़ तो हमें समझ आ गया कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है रीजन क्या है इसका एटॉमिक मास इंक्रीज़ हो रहा है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है एटॉमिक मास भी इंक्रीज़ हो रहा है तो ये रीज़न है बट इसमें भी एक्सेप्शन है क्या एक्सेप्शन है होना चाहिए था ऑर्डर ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से होते हैं अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें अभी जो हमने पढ़ा है कि मूविंग डाउन द ग्रुप चलने पर क्या हो रहा है डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से होना चाहिए था ठीक है बट एक्चुअल में ऑर्डर हमारा ये नहीं होता है ठीक है एक्चुअल में हमारा ये ऑर्डर नहीं होता है तो ऑर्डर क्या होता है तो यहां पर हमारा ऑर्डर क्या हो जाता है जो कार्बन और सिलिकॉन जो है हमारा ठीक है इसमें बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है कैसा डिफरेंस जैसे कि जिस हिसाब से एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास में आप देखो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीजमेंट हो रहा है ठीक है उस हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ जैसे कार्बन का आप देखो तो कार्बन का हमारा कितना होता है अटोमिक नंबर सिक्स होता है अगर, अगर अटोमिक मास हम देखें तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा बाकी नंबर्स के कंपेरिजन में कार्बन का जो एटोमिक नंबर है वो क्या है बहुत कम होता है ठीक है तो इसकी डेंसिटी की वैल्यू भी बहुत कम होनी चाहिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक बार चार्ट बना लेते हैं ठीक है यहां पे सभी की डेंसिटी की वैल्यू लिखते हैं उसके बाद समझते हैं ठीक है यहां पर हम लोग क्या करेंगे डेंसिटी की वैल्यू लिख लिया जाए तो जो हमारा कार्बन होता है ठीक है डेंसिटी की वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम से ठीक है तो कार्बन की जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी होती है 3.51 इसकी होती है 2.34 जर्मेनियम का आपका होता है 5.62 और स्ट्रोंटियम का आपका होता है 7.26 और ये हमारा हो जाता है 11.34 ठीक है इस तरीके से वैल्यू होती है अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहेंगे कि डेंसिटी जो है वो मूविंग डाउन द ग्रुप चलने पर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है क्यों क्योंकि मास इंक्रीज हो रहा है ठीक है ऑर्डर कैसा होना चाहिए अभी जस्ट हमने देखा बट अब इस वैल्यू को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद ऑर्डर लिखेंगे ठीक है तो वैल्यू आप देखो कार्बन का कितना है हमारा थ्री है ठीक है सिलिकॉन का कितना है 2.34 उसके बाद जर्मेनियम से क्या है इंक्रीज़ हो रहा है हमारा जर्मेनियम का 5.62 पॉइंट सिक्स का सॉरी टिन का 7.26 पॉइंट लेट का कितना है 11.34 तो ये तो ठीक है भाई ये तो ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं ठीक है, है? इंक्रीज़ हो रहे हैं जैसे जैसे इनका मास इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे इनका डेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ पर क्या होता है एक्सेप्शन आ जाता है ठीक है तो ऑर्डर एक्चुअल में हमारा कैसा होना चाहिए था अब इसको आप स्क्रीन ले लो एक बार ठीक है उसके बाद फिर मैं ऑर्डर लिखती हूँ ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप वैल्यू कैसे कैसे क्या क्या है हो गया तो अगर हम लोग हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है कि मूविंग डाउन द चलने पर मास इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो ऑर्डर हमारा होना चाहिए था ये ठीक है बट अभी जो हमने वैल्यू लिखी है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है अब इसका रीज़न क्या है तो इसका रीज़न ये है कि जो सिलिकॉन होता है उसका मास तो ज़्यादा होता ही है कार्बन से कार्बन और सिलिकॉन में हमें कंपैरिजन करना है क्योंकि यहीं पे हमारा एक्सेप्शन आ रहा है ठीक है ऑर्डर ये होना चाहिए बट करेक्ट ऑर्डर क्या है हमारा ये है ऐसा क्यों है तो कार्बन का देखो आप कार्बन को पहले होना चाहिए बट सिलिकॉन क्या है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट डेंसिटी किसकी है सिलिकॉन की है क्यों क्योंकि जो हमारा ये सिलिकॉन है इसमें क्या होता है किसकी जो वॉल्यूम है वो मास से ज्यादा होता है ठीक है जो सिलिकन का जो वॉल्यूम है वो मास से ज्यादा होता है और हमें अच्छे से पता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ठीक है सॉरी डायरेक्टली नहीं होगा क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतना कम होगा ठीक है ये चीज़ हमें पता है तो सिलिकॉन के केस में यही होता है वॉल्यूम ज़्यादा होता है मास कम होता है ठीक है यही रीज़न है कि जो हमारा सिलिकॉन होता है उसकी डेंसिटी कार्बन से कम हो जाती है और कार्बन की डेंसिटी सिलिकॉन से ज़्यादा हो जाती है क्लियर हुआ इतना और बाकी एज इट इज़ है ये तीन जो हमने पॉइंट पढ़ा कि हाँ ठीक है अटोमिक मास इंक्रीज होगा उसके बाद क्या होगा डेंसिटी भी हमारा इंक्रीज होगा तो ये तीन तो वो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं इन्हीं दोनों में बस एक्सेप्शन आता है उसका रीज़न क्या है कि जो सिलिकॉन होता है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है जो कि मास पर डोमिनेट कर जाता है और हमें अच्छे से पता है कि डेंसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम यही रीजन है कि सिलिकॉन का जो डेंसिटी होता है वो कार्बन से कम हो जाता है क्लियर हुआ अच्छे से ठीक है तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं डेंसिटी वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर है नेक्स्ट है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं तो अभी तक अगर आप मेरे लेक्चर्स देखे होंगे गए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के तो अभी तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हैं क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से कंपेरिजन करते हैं सारी चीजें ठीक है तो एक बार हम लोग समझते हैं शॉर्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है तो ये हमें अच्छे से पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं किसी भी एलिमेंट से ठीक है कोई भी हमारा एटम है या कोई भी एलिमेंट है वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की उसी को हम लोग क्या कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं ठीक है थीके? तो जो एलिमेंट ईजली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी कम होगी और जो एलिमेंट ईजली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएंगे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी हायर होगी ये चीज़ क्लियर है अब आप यहाँ पर देखो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे ठीक है अब आप याद करो एक बार रिकॉल करो जब मैं आपको ग्रुप थर्टीन पढ़ा रही थी तो वहाँ पे हम आयनाइजेशन एनर्जी में किसके किसके बीच कंपैरिजन कर रहे थे तो ग्रुप टू और ग्रुप थर्टीन का कर रहे थे यहाँ पे हम किसके किसके कंपैरिजन करेंगे ग्रुप थर्टीन और ग्रुप फोर्टीन का ठीक है तो एक बार पहले हम लोग ग्रुप थर्टीन का लिख लेते हैं ग्रुप थर्टीन में हमारे क्या क्या थे एलिमेंट्स तो इसको हम लोग क्या कह रहे थे बोरॉन फैमिली ये हमारे ग्रुप थर्टीन के एलिमेंट्स थे ठीक है ग्रुप फोर्टीन में हमारे क्या क्या है ये हमारे ग्रुप फोर्टीन के एलिमेंट्स ठीक है थीके? एक बार लिख लिया जाए तो ग्रुप का हमारा क्या था ठीक है आउटर मोस्ट कॉन्फिग्रेशन यही था ग्रुप फोर्टीन का हमारा क्या है एनएस टू एंड पी टू ठीक है अब आप मुझे बताओ कि ग्रुप थर्टीन वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप फोर्टीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है टू इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा इजी है या टू इलेक्ट्रॉन डोनेट मींस यहाँ पर आप देखो अगर हम लोग स्टेबिलिटी देखें तो पी ऑर्बिटल में हमारे टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसके पी ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके पी ऑर्बिटल में दो दो ही इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो आप मुझे बताओ कि ये वाला जो हमारा है ग्रुप थर्टीन ग्रुप थर्टीन के जो एलिमेंट्स है ये इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा या ग्रुप फोर्टीन की सी बात है ग्रुप थर्टीन ही इज्ली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि उसके पास क्या है एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में वैसे भी पी में सिक्स होने चाहिए उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसके बाद वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसके बाद जो इसका ऑर्बिटल है एस उसमें फुलफिल हैं इलेक्ट्रॉन्स ठीक है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टू हैं मतलब इसका जो एस ऑर्बिटल है वो पूरी तरीके से पेयरिंग इलेक्ट्रॉन में है प्लस एस ऑर्बिटल अच्छे से फुलफिल है ठीक है तो अगर ये ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा पी ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसके बाद भी इसकी स्टेबिलिटी खराब नहीं होगी बल्कि ये और ज़्यादा डोनेट करने के बाद और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज़ कंपेयर टू ग्रुप फोर्टीन ठीक है ये चीज क्लियर है तो ग्रुप थर्टीन और ग्रुप फोर्टीन में कौन अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर पाएगा तो ग्रुप फोर्टीन ग्रुप थर्टीन इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसका रीजन क्या है कि ग्रुप फोर्टीन के पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप थर्टीन के पी ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसीलिए जो ग्रुप थर्टीन है वो इजली वन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ठीक है और जो ग्रुप फोर्टीन है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो वो इजली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है तो हमें अच्छे से पता है जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में जो एनर्जी लगेगी वही क्या होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो इसका कॉन्क्लूजन क्या निकल रहा है कि जो ग्रुप थर्टीन है उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर होगी एज कंपेयर टू ग्रुप फोर्टीन ठीक है रीजन क्या है रीजन तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि जो हमारा ग्रुप थर्टीन है वहाँ पे पी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ग्रुप फोर्टीन के पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो ग्रुप थर्टीन जो है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट कर देगा और जो ग्रुप फोर्टीन है वो ईजली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा यही रीजन है कि जो हमारा ग्रुप थर्टीन है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कैसी होगी लोअर होगी ठीक है और ग्रुप फोर्टीन की लोअर नहीं होगी क्लियर है इतना अब हम लोग आते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पर अब जो हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब क्या है इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं एज्यूम करेंगे हम लोग कि जो हमारे ग्रुप थर्टीन है और ग्रुप फोर्टीन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर चुके हैं ठीक है ठीके? क्योंकि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात होगी मतलब वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करने जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या टर्म दिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर है इतना तो अब आप देखो ग्रुप थर्टीन का हमारा क्या होता है कॉन्फिग्रेशन एन एस टू एन एस टू एन पी वन ठीक है ये होता है और ग्रुप फोर्टीन का क्या होता है एन एस टू एन पी टू ये होता है ठीक है अब आप देखो हम लोग क्या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एनर्जी समझना है, तो तो है उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है मतलब अब जो इसका कॉन्फिग्रेशन है वो सिर्फ क्या है एनएस है ठीक है और ग्रुप फोर्टीन भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है तो मतलब अब जो ग्रुप 14 का कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है एनएस टू है ठीक है अब हमें समझना है सेकेंड इलेक्ट्रॉन कौन ईजली डोनेट कर पाएगा ठीक है तो अब आप देखो ये हमारा क्या है ग्रुप थर्टीन में एनएस टू है मीन्स इसका जो एस ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है पेयर में है तो मैंने आपको पहले भी बताया कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी पेयरिंग नहीं खराब करने देना चाहता है ठीक है क्यों क्योंकि उसके बाद वो क्या होगा अनस्टेबल हो जाएगा यहाँ पर आप देखो जो एस ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं पेयर्ड फॉर्म में है ठीक है प्लस फुलफिल है इलेक्ट्रॉन्स तो जो ग्रुप थर्टीन के जो एलिमेंट्स हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो अपनी पेयरिंग ख़राब करके या वो अपनी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें ठीक है क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो इनके पास क्या हो जाएगा एस हो जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएंगे ठीक है लेकिन आप देखो ग्रुप फोर्टीन में अगर ग्रुप 14 का एलिमेंट ये वन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उसके बाद ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसके बाद जो इसका एस ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेयर में है ठीक है तो ये चाहेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और और ज़्यादा स्टेबल हो जाए ठीक है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो ये है तो अभी ये कैसे अनस्टेबल है लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके जो उसके बाद वाले जो ऑर्बिटल हैं एस ऑर्बिटल उसमें क्या है टू इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कैसे पेयर्ड में हैं तो उस टाइम वो ज़्यादा मतलब ये हुआ इसका कि ग्रुप फोर्टीन जो है हमारा वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ठीक है लेकिन जो ग्रुप थर्टीन है अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन कौन ईजली डोनेट करेगा तो ग्रुप फोर्टीन डोनेट करेगा ईजली तो जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप थर्टीन की हायर होगी और ग्रुप फोर्टीन की कैसी होगी लोअर होगी ठीक है ग्रुप थर्टीन की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होगी और ग्रुप फोर्टीन की लोअर होगी रीजन क्या है अच्छे से समझ में आया क्लियर है ग्रुप थर्टीन जो है हमारा उसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन हम लोग डोनेट करके ही सेकेंड आयोनाइेशन एनर्जी समझेंगे तो ग्रुप थर्टीन जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसके पास एस ऑर्बिटल है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है प्लस इसका एस ऑर्बिटल अच्छे से फुलफिल है ठीक है लेकिन ग्रुप फोर्टीन में क्या है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है अब उसके पास पी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और अगर वो पी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो उसके बाद जो एस ऑर्बिटल है उसमें कितने हैं दो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ग्रुप फोर्टीन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा लेकिन जो ग्रुप थर्टीन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अनस्टेबल हो जाएगा और हमें ये चीज अच्छे से पता है कि कोई भी एलिमेंट इवन ये नेचर का रूल है कि कोई भी अपनी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करके किसी दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहता है ठीक है तो यही सेम केमिस्ट्री में भी है कि कोई भी अपनी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करके इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करेगा ठीक है तो यही रीजन है कि जो हमारा ग्रुप फोर्टीन है वो उसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कैसी होगी लोअर होगी और ग्रुप थर्टीन की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होगी क्लियर है इतना पॉइंट तो अच्छे से समझ में आया आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है तो ये तो हमारा हो गया ग्रुप में कंपैरिजन ठीक है अब मूविंग डाउन था जब चलेंगे तब क्या क्या होगा ग्रुप फोर्टीन में हम देखते हैं ये चीज क्लियर होगी जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे ग्रुप थर्टीन और ग्रुप फोर्टी में तो किस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ये चीज क्लियर है ठीक है अब एक बार इसका पॉइंट देख लेते हैं क्या है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन बोरऑन फैमिली सेम वही चीज है जो मैंने अभी बताया ठीक है तो अच्छे से क्लियर हुआ किस तरीके से कंपेरिजन करना है हमें फर्स्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में ठीक है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है सेम उसी तरीके से जैसे हमने सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी समझा सेम उसी तरीके से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी जहां पे किसकी बात होगी थर्ड इलेक्ट्रॉन

तो ये क्लियर है कि जैसे जैसे एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग बोर्ड पे समझते हैं जो हमारा ग्रुप 14 है यहाँ पे क्या हो रहा है जब हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं पहले एलिमेंट्स के नेम लिख लिया जाए ये हमारे क्या है एलिमेंट्स हैं ठीक है ठीके? अब ये जो हमारे ग्रुप फोर्टीन के एलिमेंट्स हैं जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप चलते हैं वैसे वैसे क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ठीक है कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप चल रहे थे क्या हो रहा था नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे थे एटॉमिक नंबर क्या था इंक्रीज हो रहा था तो जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मींस इनको मेल्ट करना बॉयल करना ईजली है ठीक है ईजली हम लोग कर सकते हैं मेल्ट तो यही रीज़न है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और एटॉमिक मास क्या है वो भी इंक्रीज हो रहा है यही रीज़न है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा डाउन द ग्रुप क्या होगा डिक्रीज होगा ठीक है इसका रीज़न क्या है तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है एटॉमिक मास बढ़ता है ठीक है प्लस साइज भी इंक्रीज हो रही है तो यही रीजन है कि साइज़ जो है ग्रुप फोर्टीन में डाउन द ग्रुप चलने पर क्या होता है इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा डिक्रीज होगा क्लियर है समझ में आया अच्छे से तो सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करनी है ठीक है अभी एक दो प्रॉपर्टी और है आपका एलोटॉप्स वगैरह वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं डिस्कस कर दूंगी ग्रुप 15 स्टार्ट करने से पहले तो ग्रुप 13 हमने डिटेल में पढ़ लिया ग्रुप 14 भी आज हमने ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही कर लिया बस दो फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी और रह गई हैं तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ग्रुप फ़िफ्टीन स्टार्ट करेंगे सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच